नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं ने जो ताकत झोंकी थी, अब उस ताकत की परीक्षा का दिन आ गया है। हरियाणा में कल सभी 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में कामयाब होती है आने में, तो हरियाणा में लगातार 3 बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड टूटेगा। अगर सफलता कांग्रेस को मिलती है तो उसका 10 साल का वनवास खत्म होगा। हरियाणा में विधानसभा के 90 सीटों पर कल यानी 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं और चुनाव के 3 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके हैं। इस बार 90 सीटों पर कुल 1031 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार हरियाणा की जनता किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार इतना तो तय है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए चल रहे चुनाव प्रचार के रथ का पहिया गुरुवार शाम थम गया। इस दौरान बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने दलों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां करके माहौल बदलने की हर संभव कोशिश की। प्रचार समाप्त होने तक कहा जा सकता है कि विधानसभा की 90 सीटों में से करीब 60 सीटों पर कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों के बीच सीधा टक्कर देखने को मिल सकता है। 2 दर्जन से अधिक सीटों पर त्रिकोणीय तो कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में अभी तक लगातार 3 बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। बीजेपी ने 3री बार सरकार बनाई तो हरियाणा में राजनीति रिवाज बदल सकता है। बीजेपी ने इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 150 चुनावी रैलियां की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 14 रैलियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6-6 रैलियां की हैं। बीजेपी ने 40 से अधिक केंद्रीय मंत्री पदाधिकारी और नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी इस चुनाव में अपनी धाक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने 70 चुनावी रैलियां की। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की 6 रैलियों के अलावा 2 बड़े रोड शो शामिल हैं। प्रचार के अंतिम चरण में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 रैलियां की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई बड़े नेता ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने से करीब 3 घंटे पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया, जिसके बाद बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गया। गुरुवार को 2:45 बजे तक बीजेपी को जिता रहे डॉक्टर अशोक तंवर 1.25 घंटे बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। महत्वपूर्ण यह है कि 5 वर्ष पहले जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतभेद के कारण तंवर ने पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने ही कांग्रेस का पटका पहनाया। वैसे 4 बार दल बदलने वाले तंवर की कांग्रेस में वापसी से बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को सिरसा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह कांग्रेस की कुमारी शैलजा से हार गए थे। तंवर की कांग्रेस में वापसी से करीब 4 घंटे पहले गुरुवार को शैलजा ने नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शैलजा ने ही तंवर की वापसी के लिए सोनिया को तैयार किया, जिसके बाद वह सीधे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर पहुंच गए। उस समय रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जबकि शैलजा मौजूद नहीं थी। हुड्डा की सहमति के बाद ही तंवर को वापस लिया गया। मंच पर पहुंचे तंवर ने राहुल गांधी और हुड्डा का अभिवादन किया। बोतल से पानी पी रहे राहुल गांधी ने तंवर से हाथ मिलाया, जबकि हुड्डा ने गले में पार्टी का पटका डाला। अशोक तंवर ने 3 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अब 3 अक्टूबर को ही उन्होंने वापसी की है। इस दौरान वह तृणमूल कांग्रेस में भी रहे, लेकिन बात नहीं बनी। 4 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। करीब 8 माह पहले इस्तीफा दिया, इसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। 1993 में कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले तंवर 2003 में NSUY और 2005 में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे से नाराज होकर तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उस समय तंवर ने 5 करोड़ में कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बार फिर तंवर अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ आ गए हैं। तंवर के बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को हरियाणा के विधानसभा में कितना नुकसान होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी के लिए तंवर दलितों के हरियाणा में एकलौते नेता थे, जो अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बहरहाल कल हरियाणा में होने वाले चुनाव में अनिल विज, विनेश फोगाट सीएम, नायाब सैनी, दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े नेताओं के किस्मत दांव पर हैं। वहीं इस बार हरियाणा में यूपी के क्षेत्रीय दल ने भी हरियाणा विधानसभा के रण में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली SP और दुष्यंत चौटाला की JJP दलित और जाट वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा के 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह छोटे बड़े दल हरियाणा चुनाव में कितनी अपनी साख बचा सकते हैं। अब ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा इन क्षेत्रीय पार्टियों को हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें मिलती हैं। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।